प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो सीबीएसई ट्रेनिंग होती है फॉर टीचर्स, उसमें एक समस्या आती है कि टीचर्स आर नॉट एबल टू डाउनलोड सर्टिफिकेट्स। जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, और जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको रजिस्टर कैसे करना है, आज मैं ये आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो सीबीएसई टीचर्स होते हैं उनके लिए 50 आवर्स मैंडेटरी है, दैट उनको ये 50 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है फ्रॉम सीबीएसई अफिलिएटेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंडेड दैट एवरी स्कूल शुड एंश्योर पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल टीचर्स इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं CPD। ये जरूरी है कि हर एक टीचर 50 घंटे की ट्रेनिंग जरूर पूरा करे एक जो वर्किंग ईयर जो होता है। आप लोग की ही टर्म्स में ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्लियर योर डाउट्स हाउ टू रजिस्टर एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट्स ऑफ ट्रेनिंग यू हैव कंप्लीटेड। आपने जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उसके सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करें, आज ये आप सीखने वाले हैं 5 से 7 मिनट की वीडियो में। लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, यू विल बी सेल्फ रिलायंट इन डाउनलोडिंग सर्टिफिकेट्स। अब आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, स्टेप नंबर वन है, आप जाएंगे गूगल में और वहां आप लोग डाउन करेंगे, यहाँ पे कर लीजिए CBSE ट्रेनिंग पोर्टल। क्या लिखेंगे, CBSE ट्रेनिंग पोर्टल। यहां से आप आ गए CBSE ट्रेनिंग पोर्टल पे। आप डायरेक्ट या तो यहां आ जाइए, यहां से आप लोग क्लिक कीजिए और यू कैन क्लिक एट इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जैसे आपको उचित लगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया CBSE ट्रेनिंग पोर्टल, और यहाँ जब आप करेंगे तो क्या आएगा, लॉग इन एज, क्या आएगा लॉग इन एज। देखिए आप होम पे करेंगे तो ये होम पेज दिखाएगा आपको, होम पे देन यूजर मैनुअल, लेकिन आपको किस पे जाना है, लॉग इन एज स्कूल मैनेजमेंट इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो हम तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हैं, अपने नाम से लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले, यदि आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो मैं क्या करूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या करना होता है आपको, आप अपने स्कूल का नाम एफिलिएशन नंबर ये सारा भरेंगे, ईमेल एड्रेस फोन नंबर भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूजर आईडी, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा जहां पे आपको भरना है यूजर आईडी। यूजर आईडी में आप क्या भरेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने भरा हुआ है pay6241@gmail.com। पासवर्ड भरेंगे आप पासवर्ड बनाएंगे एक स्ट्रोंग सा जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद आप लिखेंगे 90010। लॉगिन हमने कर दिया, यहां से आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। अब आपको इस प्रकार से दिखाई देगा रजिस्टर्ड ट्रेनिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 ट्रेनिंग्स में रजिस्टर किया हुआ है। फी पेड 19 दिखा रहा है, मतलब मैक्सिमम मैंने फ्री वाले किए हुए हैं। आप आ जाएंगे इस तरीके से दिखाएगा, आप आ जाइए डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं। इसके बाद आता है रजिस्टर। अब रजिस्टर आप जैसे करेंगे तो हमें मेनली फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना होता है भाई, जिस जो जनरली क्या होता है 1 या 2 घंटे का होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे हमने किया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीरीज CBPs कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अब ये जैसे कि सारा मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये पहले मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है। इसके बाद है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम,
स्किल यूनिट, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे अगर कोई ट्रेनिंग होगी तो वो आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को ऑनलाइन सेशन करना है, तो ऑनलाइन सेशन में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। देन फ्री ऑनलाइन सेशंस, हमारा जो मेन हमारा पर्पस सॉल्व होगा दैट विल बी फ्रॉम फ्री ऑनलाइन सेशंस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जितने भी फ्री ऑनलाइन सेशन एट दैट टाइम आप उपलब्ध रहेंगे आपको दिखाने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैंने क्लिक किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या रहेगा आपका, अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जैसे कि मैंने कर दिया ऑल, आप ऑल पे ही कर दीजिए क्योंकि फ्री है। अब फ्री में ऑल पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ये सारे रजिस्टर्ड हैं जैसे जुलाई में है सारे। देन इसके बाद लर्निंग थ्रू आर्ट इंटीग्रेशन फाउंडेशन, इसमें देखिए जरा हम देखिए अगर मुझे करना है तो इसमें भी सारे ये फ्री है और ये भी सारे क्या हो सीट्स फुल हो गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे खाली होता तो यहाँ पे दिखाता रजिस्टर, तो हम वहां से रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जब हमें कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करना हो तो फ्री ऑनलाइन में ही जाके आपको करना होगा, किसमें करना होगा, फ्री ऑनलाइन सेशन में। अब आप आ जाइए माई अकाउंट, माई अकाउंट में जब आप जाएंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार मेक पेमेंट में क्या है। मेक पेमेंट में आपको पेमेंट करना होगा, अगर आपने कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है जिसकी पेमेंट है फीस वाला है तो आप वहां से ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं किस पे, माई अकाउंट में। माई अकाउंट में सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन सीबीपीस, मान लीजिए मैंने कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, अगर मुझे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, इस वाले सेक्शन में जाऊंगा। अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आपको करना होगा तो आप इसमें जाएंगे, जिसमें आप बेसिकली क्या चेंज कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर ही चेंज कर सकते हैं। आपने कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर अटेंड किया है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू विल हैव टू सबमिट फीडबैक। जैसे कि रिसेंटली आई हैव अटेंडेड एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे मैं देखता हूँ ऑनलाइन नहीं किया मैंने अभी, तो रिसेंटली मैंने कोई भी ऑनलाइन नहीं किया है, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो ऑफलाइन था, अपने स्कूल में था मेरे, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा कि 28 एंड 29 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम था। क्या था वो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सेकेंडरी लेवल इंग्लिश का था, 2 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मोगादेवी मेमोरियल स्कूल में दिखा रहा है। यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ सबसे पहले आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, यू विल हैव टू फिल दिस व्हाट फीडबैक फॉर्म, तो यहां से हम फिल कर देते हैं फटाफट, अभी मैं फिल कर ही देता हूं। इंस्ट्रक्शंस, द प्रोग्राम वेन्यू वॉज स्ट्रॉन्गली अग्री, फोर्थ पे अग्री आएगा, पार्शियली अग्री, डिसअग्री और स्ट्रॉन्गली डिसअग्री, तो हम अब क्या ये कंफर्टेबल था, स्ट्रॉन्गली अग्री। वेल लोकेटेड, यस वेल लोकेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा रिमोट एरिया में था, गांव के एरिया में, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 नंबर डाल दिया। देखिए वेल लोकेटेड अगर मान लीजिए शहर के आसपास रहता तो हम उसको वेल लोकेटेड कह सकते थे, बट हमारे स्कूल ने बस फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी, हर एक टीचर को उनके लोकेशन से हम लेके आए थे अपने स्कूल में। तो फ्रॉम माई पॉइंट आई कैन पुट स्ट्रॉन्गली अग्री, लेकिन चलिए अग्री पे ही डाल लेते हैं। फूड एंड रिफ्रेशमेंट वर एडिक्वेट, हाँ ये ठीक थे, मतलब इस तरीके से आपको भरना है। अच्छा के लिए, बेस्ट के लिए 5 भर दीजिएगा और ठीक ठाक के लिए 4, तो इसमें मैं सब में लगभग यहाँ रेलेवेंट हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड था, यस द ट्रेनर्स वर वेरी गुड, प्रोग्राम हैंडआउट्स थे क्या, हाँ बिल्कुल थे हमारे पास, ये भी थे, वर क्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल प्लेस्ड, ब्रेक्स वर सफिशियंट, हाँ यार ब्रेक नहीं दिया था हमें ना, तो इसमें मैं 4 पॉइंट लिखूंगा, नहीं दूंगा मैं, आई एम नॉट फुली अग्री। अ गुड मिक्स बिटवीन लिसनिंग एंड एक्टिविटीज, या इट वॉज देयर, द एक्टिविटीज वर यूजफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ जी बिल्कुल है। रिसोर्स पर्सन का नाम ये है, इंदु शर्मा मैम थे, शी वॉज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एंड देयर वॉज सफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन रिसोर्स पर्सन, बिल्कुल हमने तो खूब मजे किए, द रिसोर्स पर्सन वॉज एग्जैक्टली एक्सट्रीमली कम्युनिकेटिव, यस दे
बोथ ऑफ देम वर कम्युनिकेटिव। इंदु शर्मा मैम थे और शालिनी मैम भी थे। बहुत मजा आया। द रिसोर्स पर्सन वॉज नॉलेजेबल एंड कॉम्पिटेंट। यहाँ द रिसोर्स पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिव ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन। यस, रिस्पॉन्स कर रहे थे। द टॉपिक ऑफ द प्रोग्राम वॉज रेलिवेंट टू द क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, रिसोर्स पर्सन जो दूसरे नंबर की थी शालिनी चौधरी जी। द सेशन वॉज इंटरेक्टिव विद द रिसोर्स पर्सन। यस यस, बहुत मजे किए हमने। शालिनी चौधरी मैम तो बीच बीच में हमें बच्चों की तरह डांट भी रही थी, समझा भी रही थी। डांट तो नहीं रही थी, बट हमें प्यार प्यार से समझा भी रही थी। हाउ वी हैव टू डील आर क्लास व्हेन एवर वी हैव टू रिस्पॉन्ड। वी आर सपोज टू स्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। द रिसोर्स पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिव टू पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चन। यस यस, ये हो गया। अब आगे आपका रेट द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विद रिगार्ड टू कंटेंट एंड हैंड आउट्स। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एक्टिविटीज वर फाइन। ठीक है, रेट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक प्रोग्राम बिफोर अटेंडिंग एक्टिविटीज। आई थिंक एक्टिविटीज ठीक है, एक्टिविटीज वर ऑल्सो गुड। रेट द हैंडआउट्स थे वेरी गुड कहूंगा, बिकॉज सभी टीचर्स के पास जो हैंडआउट थे वो इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन ऐसे चैप्टर्स थे जो मतलब जो जूनियर टीचर्स थे उन्होंने नहीं किया हुआ था, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी होगी। रेट द फॉलोइंग ऑफ द टॉपिक प्रोग्राम बिफोर अटेंडिंग। नॉलेज ठीक है, ठीक है। नॉलेज स्किल कॉन्फिडेंस ओवर रिमार्क्स रिगार्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ठीक है, और ओवर ऑल रिमार्क्स रिगार्डिंग। तो मैंने यहाँ पे भर देता हूँ। वेरी गुड भरेंगे, ठीक है। एक्सीलेंट आप भर सकते हैं, वेरी गुड भर सकते हैं। अगर आप दुखी हो गए हो प्रोग्राम देखकर, मतलब वही मतलब भाई नॉलेजेबल तो होता है लेकिन हमें सोने की ज्यादा इच्छा होती है, तो आप जैसा आप चाहें। प्लीज सेलेक्ट द टॉपिक्स ऑन विच यू वुड लाइक टू हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिर से चाहिए हो सकता है, और इसके बाद नाउ यू विल हैव टू सबमिट फीडबैक। और यहाँ से आप क्या फीडबैक सबमिट कर देंगे, ये रह गया था एक। अब आप यहाँ से फीडबैक सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सबमिट कर दिया, फीडबैक। अब भी कुछ रह गया क्या? यस, ये रह गया है। देखिए जो जो रह जाएगा वहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा कि भाई इसको आप फिलअप कीजिए। ये कहाँ रह गया, ये रह गया। और भी कुछ है? नहीं। अब हम इसको लिख कर देते हैं। हो गया ना ये। अब क्या है, फीडबैक सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप जाइए माई अकाउंट पे, है ना। माई अकाउंट पे हम गए और यहाँ से सर्टिफिकेट फॉर ऑफलाइन सीबीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था। अब हम ऑफलाइन जो हमने किया था यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फीडबैक, उसके तुरंत बाद ही आप इस वाले में आकर कहाँ पे मेक पेमेंट में आकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, किस चीज पे था, इस पे था। ये आईडी हो गया, और फ्रॉम हियर यू कैन इजीली डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। मैंने डाउनलोड कर दिया है, तो दिखा भी देते हैं। ट्रेम प्रजापति प्रेसिडियम हिसार बगला रोड हिसार। देखिए जो मेरा प्रीवियस स्कूल था वही दिखाता है, इसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हार्डली मैटर्स। और यहाँ से आपका हो जाएगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सेकेंडरी लेवल। 2 डेज का आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेम्प्ट किया है, एंड दिस इज फ्रॉम 28 to 29 मोगादेवी मेमोरियल स्कूल में। डेट आ जाएगा आपका, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ आ जाएगा। किस तारीख को आपने ये डाउनलोड किया है, 1/7/2024, और ये डेट लिखा हुआ आ जाएगा कि किस डेट के दौरान। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुश आमदीद, नमस्कार।